हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सभी, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगी कि आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जो भी लोग होते हैं उनको बहुत ही इरिटेशन का होना, ठीक है, इरिटेशन होना या चिड़चिड़ापन होना, ठीक है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को यहीं तक ना देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको या आपके रिलेटिव या फिर आपके जो भी फ्रेंड होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रहेगा। आजकल की जो सोसाइटी है ये बहुत ही ज़्यादा दौड़ भाग की हो गई है, किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दे सके। सबके पास अपने काम हैं, ये हैं, वो हैं। तो चलिए ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है। फ्रेंड, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इरिटेशन क्यों होती है, ठीक है, हमें चिड़चिड़ापन क्यों होता है। ये हमारे एक्चुअली इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से होती है कि हमें या तो कमज़ोरी हो गई है या तो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो डाउन हो गया है। रुकिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा बेटा है जो आइसक्रीम खा रहा है, पूरा मुँह पर लगा लिया है, ठीक है। फ्रेंड, तो मैं बताती हूँ कि क्यों होती है, क्योंकि कमज़ोरी, इंटरनल कमज़ोरी की वजह से हमें चिड़चिड़ापन होता है या फिर हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है। एक बार आप क्या करें कि आप एक बार जांच करा लें, अपने डॉक्टर से बोल करके CBC करा लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको सच में हीमोग्लोबिन लेवल कम है। तो फिर वो आपको आयरन के टैबलेट्स देंगे और अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से आपको बदलाव करने होंगे। हाँ ठीक है, काम सभी के होते हैं, पर क्या मतलब हम अपने हेल्थ पर ध्यान ना दें। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो आपने सुना ही होगा। तो आप इस पर थोड़ा सा गौर फरमाना भी शुरू कर दें, क्योंकि ये जो हेल्थ है, ये जो बॉडी है भाई, एक बार की ही मिली हुई है, एक बार ही जीवन जीना है, तो क्यों ना हम अच्छे से जिएं। इरिटेट होकर के खुद का खून जला करके सामने वाले को बुरा क्यों फील कराएं, क्यों ना हम खुद खुश रहें और सामने खुशियां ही खुशियां दें, खुशियां फैलाएं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए और मैं आपको क्या सलाह दूंगी। सबसे पहले नंबर वन पे चीज़ है केला। मैंने आपको केले के इंपॉर्टेंस अपने एक और वीडियो में दिया था, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे दोबारा से चाहें तो देख सकते हैं। मैं बताती हूँ, केला जो है वो एक हैप्पी फ्रूट के नाम से जाना जाता है। केले को खाने से आपका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। सेरोटोनिन नाम का एक पदार्थ होता है जिसका सेक्रेशन हमारे ब्रेन में होने लगता है, जो हमारी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है केला खाने के बाद। तो केला जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस रिलीव कर देगा, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी, बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन नहीं होगा। आपको अगर खून की भी मान लीजिए कमी है, आपको आयरन की कमी है, तो वो भी आपका केले से दूर हो जाएगा। आयरन, कैल्शियम सभी चीज़ केले में है। तो ये तो हो गया केला, ठीक है। दूसरी चीज़ फ्रेंड मैं आपको क्या सलाह दूंगी कि वो है किशमिश खाना। यार बहुत सिंपल है, मान लीजिए आप लड़की हैं, हर जगह बैग और पर्स तो कैरी करती ही हैं, ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दे दीजिए। हमेशा अपने बैग या पर्स में हमेशा किशमिश रखें, अगर लड़के हैं तो जेब में हमेशा किशमिश रखें एक मुट्ठी। जब भी काम कर रहे हैं एक घंटा आधा घंटा, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे करके आप खाते हुए काम कर लें अपना। इससे आपका मूड ख़राब नहीं होगा, ना तो आप दूसरे को मूड ख़राब करेंगे, ना तो आप खुद का मूड ख़राब करेंगे, आप खुद हैप्पी रहेंगे, दूसरों को भी हैप्पी रखेंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि चाहे कितना भी काम आपके जीवन में क्यों ना हो, थोड़ा सा टाइम आपको वॉक के लिए निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 30 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी आप वॉक कर लेंगे, तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है तो वो हैप्पी फील करता है, ठीक है। तो आप 30 मिनट का वॉक जो है वो अपने जीवन में बिल्कुल शामिल रखें। और फ्रेंड मैं आपको क्या सलाह दूंगी कि हाँ देखिए यार, योगा तो बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है। क्यों योगा ज़रूरी हो गया है? इतनी ज़्यादा केमिकल वाली लाइफ हो गई, ठीक है, हर चीज़ में तो केमिकल ही है। मान लीजिए सुन ही रहे हैं आप कि सब्जियों में इंजेक्शन लगा करके बढ़ाया जा रहा है उसको, ठीक है, नकली चावल बनाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यार योगा को अपना लो ना, ठीक है, बस अनुलोम विलोम कर लो आप 15 मिनट और 15 मिनट कपालभाति कर लो, ठीक है, बस आधा घंटा भी ना कर सके तो 15 मिनट ही योगा को दे दीजिए। 7 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, 7 मिनट आप कपालभाति कर लीजिए। इससे तो आपको ना इतना ज़्यादा रिलीफ होगा कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है, छू मंतर हो जाएंगी ये सारी प्रॉब्लम्स। तो आप मेरी सलाह को बिल्कुल माने, केला को अपने जीवन में बिल्कुल शामिल कर लें, किशमिश को आप शामिल करें, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें अगर पॉसिबल हो सका तो, और साथ में 30 मिनट का योगा, नहीं 30 मिनट का वॉक और 15 मिनट का योगा आपके डेली लाइफ में बिल्कुल होना ही चाहिए, मस्ट है ये, मस्ट लिख लो आप, ठीक है।
तो फ्रेंड मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको हेल्पफुल रहा हो, जिसको भी नीडेड हो उसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोले कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करके जाएं और बेल बटन को बिल्कुल क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स।